हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पिछले लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था और उसकी एक प्रोसेस डिफ्यूजन के बारे में हमने स्टडी किया था। एक्चुअल में डिफ्यूजन होता क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका अपना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना, या अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। उसका हमने एक यूज पढ़ा था, जो हमारी बॉडी के अंदर O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से कंप्लीट होता है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सेकेंड वर्क जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है उसके बारे में हमें स्टडी करना है, जिसे ऑस्मोसिस या हिंदी में परासरण कहते हैं। अब परासरण क्या है या ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। इस प्रोसेस को ही ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ केवल वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है, उसके अंदर घुले हुए जो भी पदार्थ होंगे उनका ट्रांसफर नहीं होगा, केवल वाटर मॉलिक्यूल्स ही उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसे ऑस्मोसिस या परासरण के नाम से जाना जाता है। वाटर जो है वो डिफ्यूजन के नियम का पालन कर रहा है, यानी जो अपनी हायर कंसंट्रेशन है उससे किधर जा रहा है, वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है या ट्रांसफर होता है। तो इसकी डेफिनेशन यदि हम बोलना चाहें ऑस्मोसिस की, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या होगी, देखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल है या सेलेक्टिवली परमिएबल है, चयन करती है कि किस पदार्थ को अंदर जाने देना है किस पदार्थ को अंदर नहीं जाने देना है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू ए selectively permeable membrane is called osmosis। अब सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन और हम ढंग से समझना चाहे क्या बोल सकते हैं हम, किसी भी selective permeable membrane से या झिल्ली से water molecules का मूवमेंट होना या गति होना उसे ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। कोई भी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेलेक्टिव परमिएबल क्या होती है। तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को ही ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो मूवमेंट होगा या ऑस्मोसिस होगा, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, तो इसको प्रभावित करने का कार्य उस वाटर के अंदर उपस्थित सॉल्यूट के द्वारा भी किया जाता है। यानी वाटर के अंदर जो सॉल्यूट घुले हुए हैं, उस सब्सटेंस जो उसके अंदर घुले हुए हैं, वो भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे वाटर तो एक किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट विलायक है, वाटर एक टाइप का सॉल्वेंट है और इसके अंदर जो पदार्थ घुले रहेंगे उन्हें किस नाम से जाना जाता है, सॉल्यूट, जिन्हें हम विलेय बोलते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट होगा तो उस मूवमेंट को वाटर के अंदर उपस्थित या वाटर के अंदर जो घुले हुए सब्सटेंस है वो उस मूवमेंट को इफेक्टेड करेंगे या प्रभावित करेंगे। इसलिए हम ऑस्मोसिस को क्या बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस एक पासेज है वाटर का फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंडीशन हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ द लो वाटर कंसंट्रेशन।
और कब तक ये होगा, जब तक इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था नहीं आ जाएगी, दोनों तरफ पानी की मात्रा जब तक समान नहीं हो जाएगी जल के अणुओं की, तब तक ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस का संपन्न होती रहेगी। तो नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोसिस यानी सेकंड डेफिनेशन इसको बोला जा सकता है, ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर, इज द पासेज ऑफ वाटर, यानी ऑस्मोसिस जो है वाटर का एक मार्ग है या पासेज है। और कैसा मार्ग या पासेज ये होगा, ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन यानी जो उच्च पानी के अणुओं की सांद्रता है उनका, हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, यानी उच्च सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से हायर वाटर कंसंट्रेशन जो है, उच्च पानी की सांद्रता जो है वहां से लो वाटर कंसंट्रेशन तक पानी का जो मूवमेंट है वो एक ऑस्मोसिस कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस उसको बोला जा सकता है। अब ये कब तक होगा, टिल इक्विलिरियम इज रीच्ड, यानी जब तक साम्यावस्था नहीं आ जाती है। साम्यावस्था का मतलब है दोनों तरफ जब तक पानी के अणुओं की मात्रा समान नहीं हो जाती है, तो टिल इक्विलिरियम इक्विलिरियम बोला जाता है साम्यावस्था को। ध्यान रखना है साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ पानी के अणुओं की मात्रा समान हो जाना, इक्विलिब्रियम टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ऐसे फिर से समझते हैं क्या ये, ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, यानी जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा अपनी निम्न कंसंट्रेशन सांद्रता तक या लो वाटर कंसंट्रेशन तक जब तक जाना, जब तक कि साम्यावस्था प्राप्त नहीं हो जाती है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसको सिंपल और कैसे समझ सकते हैं हम, जैसे एक वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर सेल है, इसके अंदर सेल है, अब सेल में पानी का कंसंट्रेशन है लो, बाहर पानी का कंसंट्रेशन या सांद्रता क्या है हाई। तो यहाँ बात जो एक पात्र है जिसके अंदर ही पानी भरा हुआ, वहां से वाटर मॉलिक्यूल किसके अंदर जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे, और कब तक जाएंगे, जब तक कि सेल के अंदर पानी की मात्रा और उस के लिए जो वाटर है मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित है इनमें साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती है। सिंपल सा याद ये रखना है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है उससे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। हमको पता है जो सॉल्यूट वाटर एक सॉल्वेंट का काम करता है ब्लैक का, उसके अंदर जो पदार्थ उपस्थित होंगे उन्हें सॉल्यूट कहा जाएगा, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं विलयन। तो वाटर सॉल्वेंट होता है, उसमें घुले हुए पदार्थ सॉल्यूट होते हैं और इन दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनेगा। तो वाटर का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, तो वो किस पर निर्भर करता है, उसमें उपस्थित जो सॉल्यूट है उसमें घुलनशील जो पदार्थ है
वो उसके परासरण को या ऑस्मोसिस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल एक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सेकंड डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस एक प्रकार से वाटर का एक मार्ग है, वाटर को भेजने का एक तरीका है जिसमें जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक साम्यावस्था स्थापित होने तक गति करते हैं या साम्यावस्था स्थापित होने तक मूवमेंट करते हैं। इस प्रकार की प्रोसेस को ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। डिफ्यूजन जो पढ़ा था उसमें ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी, वहाँ मेम्ब्रेन नहीं होती है, वहाँ सबका गमन होता है, सॉल्यूट का भी हो सकता है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का उसके अंदर, जैसे गैसों का डिफ्यूजन पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पर केवल किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, यहाँ केवल वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, वहाँ पर जो है सॉल्यूट का कोई भी अणु है वो अपने उच्च सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। अब इसके बाद यदि हम किसी एनिमल सेल और प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दें तो उसका उस सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है कि किसी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर सॉल्यूशन में रखने पर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखने पर उस पर सेल पर क्या इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है इसमें एनिमल या प्लांट सेल पर शुगर सॉल्यूशन का या सॉल्ट सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हमें इसके अंदर आगे पढ़ना है। तो अब जो कंडीशन हमारी क्या है कि यदि हम व्हाट विल हैपन जब हम बी पुट ए एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इन शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, तो व्हाट विल हैपन What will happen if we put an animal cell and animal cell or plant cell, यानी या तो जंतु कोशिका ले सकते हैं या फिर हम पादप कोशिका, into a solution of into a solution of sugar oblique salt, यानी किसी भी पादप कोशिका या जंतु कोशिका को यदि शुगर के सॉल्यूशन में, शर्करा के सॉल्यूशन में रखा जाता है और सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। अब इसके अंदर हमें तीन चीज़ों के बारे में याद रखना है, तीन थिंग्स इसके अंदर हैपन हो सकती है। सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तीन टाइप्स के बारे में से पढ़ना है। फर्स्ट सॉल्यूशन तो कौन सा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है, हाइपो का मतलब होता है, हाइपो जो शब्द है उसका मतलब होता है कम होना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसकी मात्रा, जो अंदर जो सेल पाई जा रही है उसके कंपेरिजन, यदि कोई मीडियम में सेल के अंदर ज़्यादा वाटर है और बाहर मीडियम के अंदर कम वाटर है तो उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे, कम होना, पानी की मात्रा का कम होना, सॉल्यूशन में पानी की मात्रा कम है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है सेल और उसके बाहर जो भी मीडियम है उसके अंदर पानी की मात्रा का क्या होना, समान होना। थर्ड होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक का मतलब है सेल के अंदर पानी की मात्रा का कम होना और बाहर जो मीडियम है उसके अंदर पानी की मात्रा का ज्यादा होना। इनको हम बोल सकते हैं अल्प पराश्रय विलयन, समपराश्रय विलयन और अति पराश्रय विलयन। इन्हीं को हिंदी में बोला जा सकता है अल्प पराश्रय विलयन, अल्प पराश्रय विलयन, समपराश्रय विलयन
और इस वाले को बोला जा सकता है अति पराशरी विलयन। अब पहले तो इन तीनों शब्दों का मतलब हमें पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक क्या है। तो तीनों के अंदर ये याद रखना है हमें कि यदि सेल के अंदर इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन, सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है और सेल के बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को तो क्या बोल देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड, दोनों तरफ पानी की मात्रा समान है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और मीडियम या माध्यम में वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसे बोला जाता है हाइपरटोनिक। तो इनको सिंपल वे में हाइपोटोनिक को अपन समझना चाहे बोल सकते हैं कि मीडियम में हाई वाटर कंसंट्रेशन का होना। इसमें क्या होगा, मीडियम या माध्यम जो है, मीडियम में हाई वाटर कंसंट्रेशन होगी, इसमें सेम वाटर कंसंट्रेशन होती है और यहाँ मीडियम में लो वाटर कंसंट्रेशन होगी, मीडियम में लो वाटर कंसंट्रेशन होती है। तीनों चीज़ों का याद रखना है, अल्प पराशरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर मीडियम जो है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सेल में होगी यहाँ पर लो वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ सेम है, मीडियम में जितनी है उतनी सेल में है, यहाँ सेल के अंदर क्या हो जाएगी, हाई वाटर कंसंट्रेशन। उच्च पानी की सांद्रता मीडियम में, निम्न पानी की सांद्रता सेल में, यहाँ दोनों में सेम होगी मीडियम में और सेल में, यहाँ पर मीडियम में लो वाटर कंसंट्रेशन निम्न पानी की कंसंट्रेशन सांद्रता होगी और यहाँ पर सेल के अंदर हाई वाटर की कंसंट्रेशन होगी, ज़्यादा पानी होगा। सीधा सा मतलब कंसंट्रेशन का मतलब याद रखना है कि ज़्यादा पानी या ज़्यादा वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। मीडियम में हाई वाटर है तो हाइपोटोनिक, दोनों तरफ समान है आइसोटोनिक, मीडियम में लो वाटर कंसंट्रेशन है, पानी की मात्रा कम है, पानी के अणु कम है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से उसे जाना जाता है। अब इसके बाद यदि सेल को हमने किसके अंदर रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने किसी सेल को रख दिया। अब हाइपोटोनिक का मतलब है, जैसे ये एक डायग्राम बनाया हमने, ये मीडियम एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, ये इसके अंदर सेल रखी है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर क्या है, बाहर हाई वाटर है, यहाँ पर मीडियम जो है इसके अंदर हाई वाटर कंसंट्रेशन है, ज्यादा सांद्रता है, सेल के अंदर कैसा है, लो वाटर कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, जो जल है या वाटर मॉलिक्यूल्स है मीडियम से किसके अंदर जाने लगेंगे, सेल के अंदर एंटर होंगे, एंटर इन द सेल। सीधा सा मतलब ये है, बाहर पानी ज्यादा है सेल के अंदर पानी कम है, तो ऑस्मोसिस का होता है वाटर का अपने हाई कंसंट्रेशन से कहां पर जाना, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना, अभी ऊपर पढ़ा है हमने। तो बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो यहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके अंदर एंटर होने लगते हैं, सेल के अंदर एंटर होने लगेंगे। सेल के अंदर जब ये एंटर होंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, सेल स्वेल अप, सेल जो है वो पानी अंदर जाने के कारण फूल जाती है। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जब पानी जाएगा तो कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, सेल जो है अंदर से फूल जाती है। इसका एग्जांपल किशमिश वाला एग्जांपल हम बोल सकते हैं, किशमिश को यदि पानी के अंदर डालेंगे, कुछ समय तक रखेंगे, रात को यदि हम भिगो के रख देंगे तो सुबह उठ के देखेंगे तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। सेकंड है समपराशरी, इसके अंदर क्या है, समपराशरी के अंदर जो कंसंट्रेशन यानी मीडियम के अंदर
और सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, सेम वाटर कंसंट्रेशन है, सेम वाटर मॉलिक्यूल है, यानी जितने सेल के अंदर है उतने ही किसके अंदर है, मीडियम के अंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसी सेल थी वैसी साइज में सेल रहेगी। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें, यहाँ तो सेल का आकार क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ये पहले सेल का आकार था, इसके बाद ये सेल फूल के अपना आकार बढ़ा लेती है, इस तरह से सेल फूल जाती है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है जब पानी अंदर जाएगा। आइसोटोनिक में दोनों तरफ मात्रा समान है, सेल के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल सेम है और बाहर भी वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सेम है। तो यहां पर सेल सेम स्टेट में रहेगी, जैसी सेल पहले थी वैसी की वैसी सेल बाद में रहेगी। पानी के अंदर डाल देंगे, सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अंदर एंटर नहीं करेगा। अंदर एंटर क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम में जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल किसमें पाए जा रहे हैं, सेल के अंदर या कोशिका के अंदर पाए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अंदर की और वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होंगे और सेल जैसी थी वैसी की वैसी स्टेट के अंदर रहती है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, या हिंदी में समपरासरी विलयन के नाम से इसे जाना जाता है। इसको इस प्रकार के विलयन में यदि सेल को रखेंगे तो उसकी जो स्टेट थी जैसी वो पहले थी वैसी ही रखने के बाद भी उसी प्रकार की रहेगी। फिर तीसरे प्रकार की है, तीसरे प्रकार का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यदि हमने सेल को इस प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर रखा, हाइपरटोनिक के अंदर, हाइपरटोनिक की विशेषता क्या है, मीडियम में पानी कम है, मीडियम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है और सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो यहां क्या होगा, जो सेल के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ आएंगे, सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर किसमें आ जाते हैं, मीडियम के अंदर आएंगे, क्योंकि सेल के अंदर हाई वाटर कंसंट्रेशन है और जो मीडियम है उसके अंदर लो वाटर कंसंट्रेशन है। और जब सेल से पानी बाहर की तरफ आएगा, सेल में से पानी निकलेगा, तो उसके कारण क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, सेल सिकुड़ जाती है। सेल जो है कुछ समय बाद ये इस तरह से सिकुड़ी हुई दिखाई देगी, इसको बोलते हैं सेल का श्रिंक होना। इस कंडीशन में क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाती है या सेल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये तीन प्रकार के इफेक्ट हमें, तीन प्रकार के जो विलयन है या सॉल्यूशन है उनके अंदर दिखाई देते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको, यदि हम किसी एनिमल सेल और प्लांट सेल को सुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अल्प पराश्रय विलयन, दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन सम पराश्रय विलयन, तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अति पराश्रय विलयन। सबसे पहले जो हाइपोटोनिक है, मीडियम में ज़्यादा पानी है, सेल में कम पानी है, इसलिए मीडियम से पानी सेल में जाएगा, सेल स्वेल अप हो जाएगी, सेल फूल जाएगी। हाइसोटोनिक में सेम वाटर कंसंट्रेशन है तो सेल को पानी में डालने पर कोई वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा और सेल सेम स्टेट में रहेगी। हाइपरटोनिक के अंदर यदि हमने रखा, सेल में ज़्यादा पानी है, मीडियम में कम पानी है, तो सेल से पानी बाहर निकलेगा जिससे सेल श्रिंक हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडो ऑस्मोसिस, यहाँ अंदर पानी एंटर हुआ है इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, अंतःपरासरण। यहाँ सेल से पानी बाहर जा रहा है इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस, बाह्य परासरण के नाम से इसे जाना जाता है। तो तीन टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में हमें इसके अंदर ये चीजें याद रखनी है। अब सिंपल सा इससे हमें समझ में आया कि ऑस्मोसिस एक प्रकार का डिफ्यूजन है जो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से संपन्न होता है, यानी एक ये जो मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो एक प्रकार का डिफ्यूजन है। बस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर अंतर ये है, डिफ्यूजन के अंदर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाद इसका जो यूज है, जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं
या मोस्टली प्लांट सेल जो है, यानी इसके यूजेज के बारे में यदि हम बात करें, तो एक तो कौन से ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय स्वच्छ जल में रहने वाले जीव। दूसरे जो प्लांट सेल जो है, प्लांट्स जो पाए जा रहे हैं उनके अंदर पाई जाने वाली सेल, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय फ्रेश वाटर स्वच्छ पानी में पाए जाने वाले जीव, दूसरी प्लांट सेल, इसके अंदर जो वाटर जो गैन ये करती है, ये दोनों प्रकार के जीव ऑस्मोसिस से वाटर को गैन करते हैं। इन दोनों में जो वाटर को गैन करने की प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है प्लांट्स के अंदर, वो एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट सेल, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल के अंदर आएगा। प्लांट सेल जो वाटर का अब्सॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, ऑस्मोसिस का। यूनिसेलुलर जीव भी ऑस्मोसिस से वाटर को अंदर ग्रहण करते हैं, प्लांट सेल भी ऑस्मोसिस से वाटर को अंदर की तरफ ग्रहण करती है। इसलिए डिफ्यूजन एक तरह का डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन हमारे जो लाइफ फॉर्म्स है उनके अंदर गैसों के एक्सचेंज में काम में आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज के अंदर भी ये काम में आता है, और सेल को बाहरी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्टेबल बनाए रखने में ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस सहायक होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके कारण ही फूड मटेरियल अंदर आ पाता है और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी कहाँ पर एंटर हो पाते हैं, अंदर की तरफ अंदर की तरफ प्रवेश कर पाते हैं। अब एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन क्या है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, उसके कारण फूड और अदर मटेरियल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन क्या होगी, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अलाउज, यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन जो है कोशिका झिल्ली का, वो क्या अलाउ करता है, अलाउज इनेबल, अलाउज बोल सकते हैं, ऑल्सो इनेबल बोल सकते हैं, द सेल टू टेक इन फूड एंड अदर सब्सटेंस, और इस प्रोसेस को ही एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। यानी जो कोशिका झिल्ली है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन के कारण फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंस सेल के अंदर आते हैं, और इनके सेल के अंदर आने की क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण सेल फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ग्रहण करती है, बाहरी वातावरण से अदर सब्सटेंस को अंदर ग्रहण करेगी, जिसे एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे सुटेबल एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा जो है, अमीबा के अंदर फूड का इंटेक या भोजन को एंडोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण किया जाता है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से अमीबा फूड मटेरियल को अपनी कोशिकाओं या अपने शरीर भी बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अपने अंदर ग्रहण करने का कार्य करता है। तो सिंपल सा, ऑस्मोसिस से पानी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म प्राप्त करते हैं, प्लांट सेल गेन करेगी, और उस पानी के साथ ही कभी इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट सेल जो है ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। एंडोसाइटोसिस क्या है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अलाउज द सेल टू टेक इन फूड एंड अदर सब्सटेंस,
अदर सब्सटेंस कहाँ से लिए जाते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिए जाते हैं, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बाहरी वातावरण से फूड को अदर सब्सटेंस को अंदर ग्रहण किया जाता है। इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहेंगे और अमीबा के अंदर फूड मटेरियल को एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, उसके अंदर लचीलेपन का गुण पाया जाता है, इसलिए ये एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है यह पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी कैसी होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा है। तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़े हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और फिर पढ़ा था तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस किसके अंदर जनरली दिख रहा है? यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म प्लांट सेल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट सेल ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से अमीबा फूड मटेरियल को गेन करता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल का जो सेकंड पार्ट है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।